संबल लोकसभा क्षेत्र का मतदान आगामी 7 मई को होना है, जिसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर कार्य किया जा रहा है। शहर के सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में माइक को ऑब्जर्वर की एक दिवसीय ट्रेनिंग आयोजित की गई, जिसमें सभी को महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। आपको बताते चले कि संबल लोकसभा क्षेत्र की 2 विधानसभा जनपद मुरादाबाद में आती हैं। बिलारी और कुंदरकी विधानसभा में मतदान होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रेक्षक की अध्यक्षता में पंचायत भवन में माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ट्रेनिंग कार्यशाला के दौरान जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सामान्य प्रेक्षक लोकसभा संसदीय क्षेत्र संभल अमित कुमार की अध्यक्षता में पंचायत भवन सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के संबंध में माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ट्रेनिंग संबंधित कार्यशाला आयोजित हुई। ट्रेनिंग में सामान्य प्रेक्षक ने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार कुशलतापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें, निर्वाचन कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता ना बरतें और अपने कर्तव्यों दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी निर्वाचन कार्यों को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपादित करें। उन्होंने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स मतदान के दिन मतदान केंद्र के सभी मतदेय स्थलों पर नियमित नजर रखकर पर्यवेक्षण का काम करें तथा निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव, उप निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण MP सिंह, LDM विशाल दीक्षित, बेसिक शिक्षा अधिकारी अजीत कुमार सहित माइक्रो ऑब्जर्वर उपस्थित रहे। आप सभी लोग संभल लोकसभा निर्वाचन के लिए नामित हुए हैं और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने संभल लोकसभा में शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी मुझे सौंपी है, उसी तरह से जिला प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव की जिम्मेवारी आपको भी दी गई है। और जब ये जिम्मेवारी आपको दी गई है, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वर की, पर्यवेक्षण की जिम्मेवारी आपकी है, तो पर्यवेक्षण की जिम्मेवारी के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप सिर्फ अपना काम ही ना जाने बल्कि तमाम लोगों के कार्यों के बारे में आपको जानकारी हो। यहां पर जो बताया गया कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स को क्या क्या करना है, लेकिन इस काम को करने के लिए आपको तमाम चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि पोलिंग पार्टी क्या है, पोलिंग पार्टी के फॉर्मेशंस क्या हैं, उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो पोलिंग एजेंट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, P1, P2, P3 इन सब के कार्य जो है वो दिए गए हैं दिशा निर्देश। जब तक आप उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तब तक आप उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, आप अपना अपने काम के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरी टीम को आप जो वो समझिए पहली बात, और देन फिर आपका जो है वो रोल आता है कि हाँ उनके द्वारा किए जा रहे कार्य सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के अनुसार है या नहीं है, तभी आप रिपोर्ट दे पाएंगे। अदरवाइज होगा ये कि आप को उस मतदान केंद्र पर ऑब्जर्व करने की जिम्मेवारी तो दी गई है, लेकिन आप पोलिंग पार्टी के साथ टैग हो जाएंगे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में। वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं बननी है पोलिंग पार्टी, वो टेक केयर कर रहे हैं कि आपके 18 रिपोर्ट सही तरीके से बन गए कि नहीं बन गए, आपको क्या रिपोर्ट करनी है, कहाँ क्या करना है। आप लोग सभी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, बैंक में होंगे, तमाम सम्मानित पोस्ट पे होंगे, तो वहां पर पूरी दक्षता के साथ आप अपना काम कर रहे हैं। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए DM मानवेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी कि आज एक दिवसीय ट्रेनिंग हुई थी, जिसमें माइक्रो ऑब्जर्वर्स को सभी जानकारियां दी गई हैं कि कैसे उन्हें निष्पक्ष तरीके से मतदान संपन्न कराना है। साथ ही उन्हें एक वीडियो भी दिखाई गई कि कैसे उन्हें मतदान शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, हमारे जो लोकसभा क्षेत्र संभल में जो विधानसभा कुंदरकी और बिलारी पड़ रही हैं, उसमें 129 ऐसे बूथ है जो क्रिटिकल बूथ हैं,
जहाँ पर महकमे अफसरों की तैनात की जानी है उन्हीं सभी महकमे अफसरों की यहाँ पर ट्रेनिंग करवाएगी। संभल के पर्यवेक्षक भी उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में ट्रेनिंग करवाई गई।